टिहरी जिले के नागरी प्लास में दो विभागों की मिलीभगत से लगभग 60 से 70 लाख ठिकाने लगाने का मामला प्रकाश में आया है। नागरी प्लास में 1988 से 99 में उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीणों को रोजगार दिए जाने के लेकर 2200 रुपए नाली के हिसाब से जमीन ली गई थी। उसके बाद उद्योग मंडल विभाग ने यह जमीन मत्स्य विभाग को ट्रांसफर कर दी। अब हालात यह है कि मत्स्य विभाग में उक्त जमीन में बाउंड्री वॉल छोड़ दिया गया है। इसमें लगभग 60 से 70 लाख सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। ऐसे में अब गांव के ग्रामीण आक्रोशित है। ग्रामीणों ने रोजगार के लिए अपनी जमीन दी थी, लेकिन अभी तक कोई रोजगार भी नहीं मिल पाया। लापरवाहियाँ हैं, जिस हिसाब से जमीन दी गई थी कि जमीन के बदले रोजगार मिलेगा, हमें रोजगार के लिए दिल्ली बम्बई कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सरकार भी लगी हुई है कि गढ़वाल ना छोड़ो, प्लान की स्थिति रुकी रही। अब जब स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है कि अपनी ये जमीन दो और अपना भी प्लान हो जाओ, और सरकार को देने के बावजूद सरकार उसमें कुछ कर नहीं रही, और एक सफ़ेद हाथी खड़ा कर दिया गया चारों तरफ से, बाउंडियाँ करवा के अपना किनारे हो गया। अब उनके पास जाओ भाई, रोजगार उनका कौन सा रोजगार, कहाँ का रोजगार, जमीन हमारी, आप जाइए किनारे। अभी तक कितने पैसे इसमें खर्च हो चुके हैं लोगों का? ये अगर मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताता हूँ तो ये जमीन जो हमसे ली गई है ये 2200 रुपया नाली के हिसाब से ली गई, जो अब तक इस भारतवर्ष के किसी कोने में 2200 रुपये में कोई अपनी जमीन नहीं देगा। खेती, वो भी कौन सी सिंचाई खेती, रोजगार के लिए खेती थी, 2200 रुपया नाली, तुमको रोजगार दिया। लोग हंसेंगे इस बात पे। और आज की डेट में जो भूमि का जो आकलन है वो 5,72,918 रुपए इस जमीन का रेट है, रोजगार के लिए दी गई जमीन। अब उद्देश्य यही बनना कि रोजगार ही नहीं मिल रहा। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? मांग ये या तो ये हमें पूर्ण रूप से रोजगार दे, जितने परिवारों ने इस भूमि को दी, जमीन को दी है रोजगार के उद्देश्य से, स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जाए। अगर इनके बस का रोजगार देना नहीं है तो हमारी जमीन हमको तत्काल वापस कर दें, कम से कम हम दो रोटी अपनी जमीन से तो खा लेंगे। आपके कहने से आपने तो हमें रोटी दी नहीं, तो अपनी रोटी अपने खेत से खा लेंगे फिर। ग्रामीणों का कहना है कि अगर रोजगार नहीं दिया जाता है तो उनकी जमीन को वापस की जाए। अब देखना यह होगा कि विभाग ग्रामीणों की जमीन वापस करता है या उनको रोजगार मुहैया करवाता है। यूके लाइव के लिए बलवंत रावत की रिपोर्ट।